हे स्टूडेंट, वेलकम अंस अगेन। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज वन ए का जो सिक्स नंबर का क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। ये सिमिलर है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव की तरह ही, बस वहाँ पर हमें फ्रैक्शन दिया गया था और यहाँ पर हमें होल नंबर्स दिए गए हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या जानते हैं कि जो हमारा नंबर होता है उसके नीचे हमेशा एक वन छुपा हुआ रहता है। बस वही ट्रिक हम यूज़ करेंगे, वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखो बोला क्या जा रहा है ना कि फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन टू एंड थ्री, यानी टू और थ्री के बीच में आपको सिक्स रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। क्लियर है? मैंने आपको फिफ्थ नंबर वाले क्वेश्चन में समझाया था ना कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तब हम क्या करते हैं, जितना भी रैशनल नंबर फाइंड करना है उसमें वन प्लस करके उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी नंबर हमें दिया रहता है उसमें से। तो आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा आपको फिर। तो देखो हमें नंबर कौन कौन सा दिया हुआ है, टू और थ्री दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम टू को क्या लिखेंगे, टू बाई वन लिखेंगे। हम हमेशा जहाँ मैं आपको बताते आ रहा हूँ क्लास सिक्स से ही कि कभी भी कोई भी नंबर है तो उसके नीचे एक वन छुपा हुआ रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये हमारा टू बाई वन हो गया, उसी तरीके से ये हमारा थ्री बाई वन है। तो हमको बोला कितना गया है, सिक्स रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला गया है ना, तो सिक्स में वन प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेवन आ जाएगा। तो बस क्या करो आप, ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेवन का मल्टीप्लाई कर दो। तो टू सेवन जा हो गया हमारा फोर्टीन और नीचे सेवन वन जा हो गया हमारा सेवन। सेम उसी तरीके से इसको थ्री बाई वन लिखो पहले तो, और फिर से इसमें भी सेवन सेवन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो थ्री सेवन जो हो गया ट्वेंटी वन और नीचे सेवन वन जा गया सेवन। तो देखो जो टू था उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेवन फोर्टीन बाई सेवन लिख सकते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर टू ही आएगा। उसी तरीके से थ्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वेंटी वन बाई सेवन लिख सकते हैं। बस अब इन फोर्टीन बाई सेवन और ट्वेंटी वन बाई सेवन के बीच में आप कोई भी सिक्स नंबर को उठा करके लिख दो। जैसे कौन कौन सा नंबर आएगा, देखो फोर्टीन बाई सेवन है हमारे पास, उसके बाद क्या आएगा हमारा फिफ्टीन बाई सेवन आएगा, फिर सिक्सटीन बाई सेवन आएगा, फिर 17 बाई सेवन आएगा, देन 18 बाई सेवन, देन 19 बाई सेवन, 20 बाई सेवन, ठीक है, और उसके बाद फिर 21 बाई सेवन आता है। तो देखो हमारे पास ये है टू, ठीक है, और ये जो है ये हमारा थ्री है। तो इसके बीच में आपको छह रैशनल नंबर मिल गए, एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और सिक्स रैशनल नंबर ही तो हमको फाइंड करना था। तो यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप डिनोमिनेटर को कुछ और बना देते हो और बड़ा बना देते हो, जैसे आप मान लो ऊपर नीचे एट का मल्टीप्लाई कर दिए, तो भी गलत नहीं होगा, वो भी हमारा सही होगा। जैसे अगर मैं इसको टू एट जा सिक्सटीन और नीचे एट ले आऊँ, यानी सिक्सटीन बाई एट भी लिखूंगा ना, तो भी मेरा जो आंसर आएगा बिल्कुल सही ही कहलाएगा, गलत कभी नहीं कहलाएगा। क्योंकि दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर कुछ बता दिया, कुछ आप अपने मन से भी लिख सकते हो, बुक में हो सकता है कुछ दूसरा दिया रहे, आपके टीचर कुछ दूसरा बता सकते हैं, लेकिन गलत किसी का आंसर नहीं कहलाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरी बात। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसे मैं आपको एकदम सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।